नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं शिवम पांडे और हम पढ़ेंगे टॉपिक विशेष। आज के टॉपिक हैं विश्व हिंदी सम्मेलन, बायोफ्यूल से पहली उड़ान, भारत में चीता की स्थिति, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, बुद्धमाल महोत्सव और हिंद महासागर सम्मेलन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ सोशल लिंक है जिससे आप जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ हमारे जो नोट्स है उसको आप बाय कर सकते हैं इंस्टामोजो में। और यदि आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करिए, बहुत ही अच्छा ऐप है। और इन सभी चीज़ों के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अनअकैडमी में हमारे वीडियोज़ आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला देखेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन। तो जो अभी विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था। इसका आयोजन 18 से 20 अगस्त को हुआ था 2018 में मॉरिशस में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, 11वां था और 18 से 20 अगस्त को हुआ था मॉरिशस में। भारत के अतिरिक्त मॉरिशस विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो तीसरे बार जो है इसका आयोजन करा रहा है। तीन बार भारत पर कराया था और तीसरा बार जो है इसका आयोजन कौन करा रहा है? मॉरिशस। ठीक है, तो इस अवसर पर जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री है वो है अनिरुद्ध जगन्नाथ। ठीक है, इनने कहा है कि भारत की हम भारत की संतान हैं और भारत हमारी माता है। तो इस तरीके से जो हिंदी है उसको संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के प्रयास का मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भी समर्थन किया है। ठीक है, तो यह याद रखना है आपको कि विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था 11वां, तो मॉरिशस में। ठीक है, भारत में जो चीता की स्थिति है वो किस प्रकार है वो हम देखेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को राज्य के नौरदेही अभयारण्य में चीता को फिर से प्रवेश कराने के लिए जो योजना है उसको पुनर्जीवित करने के लिए पत्र लिखा है। ठीक है, किसने किसको लिखा है? तो मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग ने लिखा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को। देश की आखिरी जो मादा चीता थी उसकी मौत 1947 में हुई थी, वो भी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये खासा इम्पॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में जो देश की आखिरी मादा चीता की मृत्यु कब हुई थी? 1947 में। और इसके उपरांत धरती के सबसे तेज जानवर को 1952 में भारत में विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट जो है घोषित किया गया। ये IUCN इसको देती है दर्जा विलुप्त या फिर वल्नरेबल। ठीक है, तो ये याद रखना है कि भारत से जो चीता है बिल्कुल विलुप्त हो चुका है 1952 से। ठीक है, पूर्व कार्य योजना के अनुसार लगभग 20 चीतों का अफ्रीका के नामीबिया से, अफ्रीका में चीता पाया जाता है नामीबिया में, तो यहाँ से नौरदेही स्थानांतरित किया जाना था। गौरतलब है कि नामीबिया चीता संरक्षण कोष ने तब भारत को मादा चीता दान करने की इच्छा जताई थी। ठीक है, तो इस पर जो है आगे अब कदम उठाया जाएगा क्योंकि वन विभाग ने जो है पत्र लिखा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को, तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, बायोफ्यूल से पहली उड़ान देखेंगे कहाँ हुआ। तो जेट्रोफा बीज से निर्मित जो तेल है और विमानन टरबाइन ईंधन के मिश्रण से, टरबाइन फ्यूल और जेट्रोफा बीज के तेल से मिश्रित जो प्रणोदित उड़ान है, देश की पहली जैव जेट ईंधन संचालित उड़ान होगी। ये उड़ान जो है दिल्ली से देहरादून के बीच संचालित हुई है। तो ये जगह का नाम आपको याद रखना है कि दिल्ली से देहरादून। ठीक है, और ये 43 मिनट का समय लगा। यह स्पाइस जेट जो है इसको प्रोवाइड करी है इस सेवा को, और जो कि बॉम्बार्डियर कंपनी का जो विमान है उसमें जो है उड़ान भरा गया, बॉम्बार्डियर Q400। ठीक है, तो कंपनी का नाम आपको याद रखना है स्पाइस जेट ने, और उसकी जो विमान की कंपनी है वो है बॉम्बार्डियर। ठीक है, तो दिल्ली से देहरादून। SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। SCO 2001 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है और वर्तमान में इसमें 8 सदस्य हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है और इसकी उत्पत्ति 26 अप्रैल 1996 को स्थापित हुआ था। और ये 5 सदस्य जो है इसमें उस समय थे, कौन कौन थे? तो चाइना, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से मिलकर हुआ था। उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान जो है संघाई 5 में शामिल हो गया। पहले इसका नाम संघाई 5 था, उसके बाद उज्बेकिस्तान इसमें 2001 में शामिल हुआ और इससे संघाई सहयोग संगठन के रूप में पुनः नामित किया गया। तो इसका जो SCO जो नाम हुआ है वो 2001 में हुआ है। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, हिंद महासागर सम्मेलन, इसके बारे में हम देखेंगे।
भारत के विदेश मंत्री ने वियतनाम की राजधानी हनोई में 27 अगस्त को हिंद महासागर के तीसरे संस्करण, ठीक है, तो कौन सा संस्करण था, तीसरा हिंद महासागर सम्मेलन, और हमारे यहाँ से कौन गया था, तो भारत की विदेश मंत्री गई थी 27 अगस्त को, ठीक है, भाग लिया था। इस साल के सम्मेलन का जो मुख्य थीम है वो है क्षेत्रीय वास्तुकला का निर्माण, और इसमें 43 देशों ने भाग लिया था, ठीक है, तो देशों को कितनी संख्या है, 43 है, और क्षेत्रीय वास्तुकला का निर्माण, इसका जो मुख्य थीम है वो है क्षेत्रीय वास्तुकला का निर्माण। हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा सिंगापुर, बांग्लादेश और श्रीलंका के भागीदारों के साथ किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो जो हैं वो सब हिंद महासागर में स्थित देश हैं, तो ये कौन कौन से, सिंगापुर, बांग्लादेश और श्रीलंका के भागीदारों के द्वारा किया जाता है, और इंडिया फाउंडेशन, ठीक है। यह एक पहल है जिसके द्वारा एक ही छत के नीचे राज्य के नेताओं, राजनयिकों और नौकरशाहों को लाने का प्रयास किया जाता है, ताकि एक दूसरे के बीच जो है समझ को मजबूत किया जा सके, ठीक है, यह आपको जानना है। अब हम देखते हैं बुद्धमाल महोत्सव। बुद्धमाल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये फसल कटाई के दौरान मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो असम राज्य में प्रत्येक 5 साल की अवधि में एक बार मनाया जाता है, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है जगह कि ये असम राज्य में मनाया जाता है और फसल कटाई से रिलेटेड है, और 5 साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है, बस इतनी मुख्य बातें हैं आपको याद रखना है। इस त्यौहार में विभिन्न समुदाय के लोग समाज की समृद्धि एवं कल्याण तथा अच्छी फसल की कामना के लिए एकत्रित होते हैं, ठीक है, बुद्धमाल महोत्सव। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, हैक और एथॉन, ठीक है, हैक का मतलब वही जो कंप्यूटर को हैक करते हैं किसी भी चीज़ से, और मैराथन का जो लास्ट वर्ड है 4, उससे थॉन को इसमें जोड़ा गया है, ठीक है, तो ये प्रतियोगिता होती है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, तो इसके बारे में हम जानते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, ठीक है, ने नई दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल के तृतीय संस्करण, 3 बार आयोजित हो चुका है, मतलब ये 3रा बार है, 2 बार आयोजित हो चुका है, ठीक है, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2019 का शुभारंभ किया गया है। कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT, जो मतलब सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों को जो रेगुलेट करती है, और परसिस्टेंट सिस्टम और इंटर इंस्टीट्यूशनल इंक्लूसिव इनोवेशन सेंटर, मतलब I4C की एक पहल है, मतलब 3-4 चीज़ें इसमें मिलकर जो है इसको पहल को कर रही हैं। इस पहल का जो मुख्य काम क्या है, तो इस स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2019 के जो 2 उप संस्करण हैं वो मेनली क्या हैं, सॉफ्टवेयर संस्करण, तो इसमें 36 घंटे का सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास प्रतिस्पर्धा, मतलब सॉफ्टवेयर के जरिए कंपटीशन होगा 36 आवर का, उसके बाद हार्डवेयर के लिए 5 दिन की लंबी अवधि के द्वारा हार्डवेयर उत्पाद विकास प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है। इसमें मेनली बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाकर, IITians को बुला करके कुछ सॉफ्टवेयर में कॉम्पिटिशन किया जाता है, और हैकिंग के जरिए नए नए आइडियाज़ इसमें डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का जो है वीडियो, इसको देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है, थैंक यू।